दुनिया में फैल जाए ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को अस्सलाम हर घड़ी। और दोस्तों उसके राह में फूल बिछा चुके हैं, लोग भी फूल निछावर कर रहे हैं, जगह जगह इस्तकबाल कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि अल्लाह का सदके तुफैल में मेरा वीडियो भी वायरल हो जाए। आमीन। अनवर हुसैन खलीफा यूट्यूब चैनल पर आज की सिहाब चतुर की लाइव अपडेट देखिए। हम हिंदुस्तानियों को एजाज हासिल है केरला मलप्पुरम के सिहाब चतुर, हमारे हिंदुस्तान जो की राय खुदा में जज्बा ईमान के साथ साइकिल पे जा रहे हैं, घर से पैदल मक्का के लिए रवाना हुए थे। ये 2023 करीब 46 दिन पहले चल रही पैदल अपने घर से निकले सिहाब चतुर का जमाने कदीम से चल रहे थे। हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एजाज हासिल है। यहाँ पे इनका सफर गुजरात के भरूच की जानिब आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह परसों गुजरात के वडोदरा शहर में भी पहुंच जाएंगे। सिहाब का पैदल सफर मक्का आज 46वें दिन चल रहे हैं। सिहाब चतुर गुजरात के सूरत में है। दुआ है कि अल्लाह इस मुसाफिर मक्का और नेक नियति शख्स सिहाब चतुर की हिफाजत फरमाए और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको दिन ब दिन इस पैदल जाने वाले सिहाब चतुर की लाइव अपडेट मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। और उनकी हमारे लिए हक में दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए और जो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी हज नसीब फरमा, उमरा नसीब फरमा और मदीने की जियारत नसीब फरमा और साथ साथ मुझे भी हज नसीब फरमा, मदीने की जियारत नसीब फरमा दोबारा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिरसो हवस ने मार डाला है। इलाही 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 लगाता रहूं मैं सदा, शहर मक्का में आता रहूं मैं। अल्लाह अल्लाह।